हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम वापस हैं यहाँ पर विद वन मोर शॉर्ट स्टोरी। योर स्टोरी इज स्वयंवर, ये लिखी है सुनीति नाम जोशी ने। एक और स्टोरी आपने पढ़ी थी गिटार प्लेयर, वो भी सुनीति नाम जोशी ने लिखी थी। इन बोथ द स्टोरीज, दोनों स्टोरीज में शी इज टॉकिंग अबाउट कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें वुमेन, औरतों की कंडीशन क्या है, इसके ऊपर वो बात कर रही हैं। और इस सेकंड स्टोरी स्वयंवर में भी वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रही हैं। कौन कौन से मैसेजेस हैं देखिए। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ वुमेन, वो वुमेन की फ्रीडम, वुमेन की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रही हैं। देन सेट रोल्स आर असाइंड टू वुमेन, वो ये कहना चाह रही हैं कि इंडियन सोसाइटी में वुमेन के जो रोल है, जो भूमिका है, वो एकदम फिक्स है। यानी कि अगर वो उस रोल से अलग कुछ करना चाहती है, कुछ और फ्रीडम पाना चाहती है, पीपल प्रोटेस्ट हर, तो लोग उसका विरोध करते हैं, दे बिकम अनहैप्पी, वो ना खुश हो जाते हैं उससे। देन मैन थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर, वो ये भी बता रही हैं इस स्टोरी के थ्रू कि ज्यादातर मैन, ज्यादातर जो पुरुष समाज है, वो क्या सोचता है कि हम सुपीरियर हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन, औरतों की तुलना में। एंड मैन डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट, और ज्यादातर जो मैन है वो अपनी डिफीट को, डिफीट मीन्स हार, अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, सो एंड लास्ट में वो आपको क्या बताती हैं, दैट वुमेन चूजेस कंपेनियन टू द वन, कि औरत उसी व्यक्ति को अपना कंपेनियन, अपना साथी चुनना पसंद करती है, हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी, वो व्यक्ति जो कि जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, लैंगिक समानता में, जो लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता, एंड एक्सेप्ट शॉर्टकमिंग्स, और अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी गलतियों को स्वीकारता है। ओके, तो इस तरह के व्यक्ति को औरत अपना जीवन साथी चुनना पसंद करती है। ओके, नाउ सी द समरी, इस कहानी की समरी क्या है। इसका जो मेन कैरेक्टर है, शी इज द प्रिंसेस, वो एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है। द राजकुमारी वॉज वेरी गुड एट विस्लिंग, उसे विस्लिंग करने में, सीटी बजाने में बहुत मजा आता था, और वो सीटी बहुत अच्छा बजाती थी। ओके, तो उसके जो मदर थी वो ऑलवेज हमेशा क्या कहती थी उसे, डोंट विसल, उसके फादर भी कहते थे डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। ओके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या माना जाता है कि जो विस्लिंग है वो सिर्फ किसके लिए है, लड़कों के लिए। ओके, सो बट जो प्रिंसेस है वो विस्लिंग करना बंद नहीं करती। व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी होती है, शी वॉज विस्लिंग ब्यूटिफुली, वो बहुत सुंदर तरीके से सीटी बजाती थी। ये देखकर उसके जो पेरेंट्स हैं, दे वर नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे, दे ग्रीव्ड, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। ओके, तो उसके फादर क्या डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो देखिए वो क्या कहते हैं, आई विल गिव हाफ ऑफ द किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू द वन हु डिफीट्स हर इन विस्लिंग, कि मैं अपना आधा राज्य और अपनी राजकुमारी शादी में उस व्यक्ति को दे दूंगा जो इसे विस्लिंग में बीट कर दे, यानी जो इसे सीटी बजाने में हरा दे। तो इस तरह की राजा घोषणा करता है, और राजा की घोषणा के साथ ही उसका जो पूरा पैलेस है, महल है, वो फिल्ड विद सूटर्स, बहुत सारे सूटर्स आ जाते हैं। सूटर्स मीन्स बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं अपनी शादी का प्रपोजल करने, अपना भाग्य आजमाने। ओके, कोशिश करने की क्या हम राजकुमारी को सीटी बजाने में हरा सकते हैं। बट व्हाट हैपन, दे वर डिफीटेड, वो हरा दिए गए बाय द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने उन सभी को हरा दिया। नाउ द किंग वॉज सैड अगेन, अब किंग बहुत ज्यादा दुखी था कि अब क्या होगा। बट प्रिंसेस क्या कहती है, ओके फादर वेट, इंतजार करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा आ जाए इससे। ओके, सो सभी को हराने के बाद वो सभी लोगों से क्वेश्चन पूछती है, डू यू एक्नोलेज, क्या आप लोग ये मानते हैं दैट यू वर बीटन फेयरली, कि मैंने आपको फेयरली, ईमानदारी से हराया है। ओके, बट क्या आंसर मिलता है उसे, सभी क्या कहते हैं, नो नो नो, यू डिड नॉट बीट अस फेयरली, तुमने हमें ईमानदारी से नहीं हराया, इट वॉज सम मैजिक, या तो तुमने कोई जादू कर दिया है और ट्रिक, या कोई चालाकी की है। ओके, सो बट उन्हीं में से एक व्यक्ति क्या आंसर देता है, यस, हाँ, आई वॉज बीटन फेयरली, तुमने मुझे ईमानदारी से हराया है। तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में, ऊपर जितने भी मेन हैं वो सब क्या हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स को मानना नहीं चाह रहे हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करना नहीं चाह रहे, वो मान ही नहीं सकते कि हमें कोई लड़की डिफीट कर सकती है, हरा सकती है। ओके, वो क्या मान रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, एक गर्ल कभी भी हमसे सुपीरियर, हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकती। बट दिस मैन, ये एक व्यक्ति, ये अपनी शॉर्टकमिंग्स को मान रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ मुझे ईमानदारी से हराया गया, यानी यह वो व्यक्ति है जो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करता है, जो लिंग की समानता में विश्वास करता है, जो ये मानता है कि हाँ लड़कियां भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वी आर नॉट सुपीरियर, हम सुपीरियर नहीं है, बट बोथ द गर्ल एंड बॉयज, मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन दिस सोसाइटी। ओके, सो
लिसनिंग टू हिम, उसे सुनकर द प्रिंसेस गेट सेटिस्फाई हो जाती है एंड शी एग्रीज टू मैरी दैट मैन, वो उस व्यक्ति से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है, बिकॉज ये वो व्यक्ति है जो जेंडर इक्वलिटी में विश्वास कर रहा है. ओके, दिस इज द स्टोरी, दीज आर द मैसेजेस, ये मैसेजेस हैं. स्टोरी पढ़िए, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपका लॉन्ग आंसर भी इजीली इससे तैयार हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स आर अवेलेबल हेयर ऑन द बोर्ड. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे न्यू वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय.